हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा स्ट्रक्चर है गोइंग टू। गोइंग टू का मीनिंग होता है ने जा रहा हूँ, ने जा रहा है, ने जा रहे हैं। गोइंग टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे मैं एक नया बाइक खरीदने जा रहा हूँ, वे एक कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, वह एक लैपटॉप खरीदने जा रहा है। इस तरह के सेंटेंसेज को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। मैं एक नया बाइक खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू बाइक। I am going to buy a new bike. वह एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। He is going to start a new business. He is going to start a new business. वे एक कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। They are going to open a coaching center. They are going to open a coaching center. वह अपना कार बेचने जा रहा है। He is going to sell his car. He is going to sell his car. मैं एक नया कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। I am going to start a new company. I am going to start a new company. मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ। I am going to teach English. I am going to teach English. वे अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वह एक लैपटॉप खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाई अ लैपटॉप। ही इज गोइंग टू बाई अ लैपटॉप। हम उससे मिलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मीट हिम। वी आर गोइंग टू मीट हिम। आई होप आपको गोइंग टू का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।